कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पहले 5 लेक्चर्स, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के और 2 बिल्कुल सिलेबस के और कैरियर के, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट्स के लिए देख लिए होंगे। दोस्तों मैं आज लेसन नंबर 12 आपके स्टडी के हिसाब से म्यूचुअल फंड का स्टार्ट कर रहा हूं। और मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज कर दें, किसकी, प्रिपरेशन की, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट की, तो आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। वैसे तो ये लेसन नंबर 12 है, लेकिन मैं पहला ये चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं आपको कहूंगा कि आपको भले सारे लेक्चर्स मेरे मिल गए हो, आपने सारे मेरे वीडियो लेक्चर्स ले भी लिए हो, आपने परचेज कर लिए हो, लेकिन आप पहले बेटे मेरे प्रेफरेंस वाला लेक्चर देखें, या मैं आज बताऊं आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड का चैप्टर करना चाहिए, भले वो लेसन 12 है, उसके बाद कैपिटल मार्केट करना चाहिए। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, बिल्कुल बताऊंगा दोस्त। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में ये बताया था कि आपका जो पेपर है न्यू सिलेबस में दिसंबर 2018 और जून 2019 में, बेटे कहां कहां से आया, 22 पार्ट्स आए। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर आ रहा है। दिसंबर 2018 में भी ऐसा हुआ, जून 2019 में भी ऐसा हुआ। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपको पहला पार्ट प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड का पार्ट ए में सिक्योरिटी लॉस में करना ही पड़ेगा। और बेटे बीच में भी एक आध पार्ट आ रहा है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आपने म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, मैं आज आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा, मैं आज आपको इंश्योरेंस की बातें करूंगा, मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट्स बताऊंगा। बेटे आज का ये लेक्चर और आने वाले एक दो लेक्चर्स बड़े बेसिक लेक्चर है म्यूचुअल फंड के। अगर आप ये अटेंड कर लेते हैं, अगर आप यूट्यूब में देख लेते हैं, यकीन मानिए आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका मन करेगा कि मैं इन्वेस्ट करूं, आपका मन करेगा कि मैं ब्रोकर बन जाऊं, आपका मन करेगा कि मैं एमफी के पेपर क्लियर कर दूं, आपका मन करेगा कि मैं इतना स्टॉक एक्सचेंज देखा करूं। बेटे मैं ऐसा आपके मन में ऐसी आदत डलवा दूं। तो आइए दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी से अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। मैंने बताया हुआ आपको कि बेटा बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोचे कि मैं सुनाता रहूं और आप आराम से मस्ती में सुनते रहें, बेटे कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको अच्छा लगेगा, लेक्चर बंद कर देंगे, उसके बाद आपको लगेगा सब आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। मैं आज भी बेटे इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स में लिखता हूं, बेटे जब लिखते हैं ना तो ज्यादा बातें समझ आती है, ज्यादा क्लैरिटी होती है, हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली कोई भी काम कर पाते हैं। तो रजिस्टर खोलिए, आज पहला लेक्चर है बेटे, बेसिक कंसेप्ट ही बताऊंगा म्यूचुअल फंड के। आज हम स्टडी को देखेंगे, आज हम साइट्स में जाएंगे, आज हम फैक्टशीट देख के सब देखेंगे बेटे, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। चैप्टर का नाम लिखेंगे पहले तो, कमर सीधी करके बैठे, म्यूचुअल फंड। मैं आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से हुआ, और ये बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, तब जाकर आपको मैं बेसिक बाकी बातें बताऊंगा। बेटे आपकी स्टडी को देखें, अगर आपकी स्टडी को देखूं तो लेसन नंबर 12 में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने ये लेसन दिया हुआ है, लेसन नंबर 12 म्यूचुअल फंड्स। अगर मैं म्यूचुअल फंड की लेसन आउटलाइन देखूं, बेटे न्यू स्टडी मटेरियल कमाल का है, उसमें हर चैप्टर में लेसन आउटलाइंस दिए, लर्निंग आउटकम्स दिए, कि जब आप ये लेसन पढ़ लेंगे तो ये बातें आपको हम चाहते हैं कि समझ आ जाए। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी लर्निंग आउटलाइंस हैं, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। बेटे जैसे पहला लर्निंग आउटलाइन अगर आप देखें इंस्टीट्यूट की साइट, इंस्टीट्यूट की स्टडी से, इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड है, ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड है, स्कीम्स, एडवांटेजेस, रिस्क की, नेट एसेट वैल्यू, एक्सपेंसेस रेशियो, होल्डिंग पीरियड, रिटर्न, सेबी म्यूचुअल गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, लिस्टिंग, एलओडीआर, लेसन राउंड ऑफ ग्लोसरी, सेल्फ टैक्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने ये 10 12 15 बातें आपको ऑब्जेक्टिवली बताई है कि आपको रामलाल ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे जून दिसंबर में तो बेटे इनमें से पूछ सकते हैं। और मजे की बात क्या है, म्यूचुअल फंड से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और बेटे प्रैक्टिकल तभी हो सकता है जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो, आपके लॉजिक्स क्लियर हो, आपके पास कैलकुलेटर हो और इरादे बुलंद हो। तो मैं भूपेश आनंद बस बेटे शुरू करने वाला हूं। आज के इस लेक्चर में मैं कोई भी लर्निंग आउटलाइन कंप्लीट नहीं करूंगा, ना बताऊंगा। हाँ, पहली आउटलाइन इंट्रोडक्शन है। मैं इंट्रोडक्शन को लेकर आपके लिए 3 लेक्चर्स छोटे छोटे बना रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका जन्म कहां से हुआ, जन्म की नीड क्या थी, नेसेसिटी क्या थी, ऐसा क्या हुआ जो इस फंड को हमें बनाना पड़ा, और म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, यूनिट होल्डर्स क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है। आज सभी बैंक्स ने अपने म्यूचुअल फंड क्यों ओपन कर दिए, HDFC देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस देखें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, और इतनी सारी स्कीम्स, रिलायंस देखें तो रिलायंस म्यूचुअल फंड, इतनी सारी स्कीम्स आ चुकी है, इतना कुछ हो चुका है। बेटे एमफी क्या है हम देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एमफी। बेटे आपको एमफी के पेपर भी देने हैं। मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर को लेकर ही आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुन लिया तो आप मुझे दुआएं देंगे, इस दुनिया में कहीं भी बैठेंगे आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद आप अमीर बन जाएंगे। बेटे मैं आपको वॉरेन बुफे जैसा बनाना चाहता हूं। अगर आपने आने वाले 15-20 मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो आप वॉरेन बुफे बन जाएंगे। बेटे वॉरेन बुफे का नाम आप सबने सुना होगा। बेटे वॉरेन बुफे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। कोई इंडस्ट्री नहीं चलाई हुई, कोई गाड़ियां नहीं बनाता, कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कोई FMCG नहीं है, कोई सीमेंट इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस का मालिक नहीं है। वो अपना पैसा, अपनी किटी बेटे अलग 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 सिक्योरिटीज में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उन सिक्योरिटीज को हाई रेट में बेचता है। बेटे यही तो कलाकारी है, when to invest, how much to invest, where to invest। तो आज मैं सारी बातें इन्वेस्टमेंट की बताऊंगा। हमारे टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। बेटे कहानी बहुत पुरानी सी है, मैं आज आपको बहुत पुरानी कहानी में लेके जाऊंगा। कहानी किस्मत की इस तरह की है कि एक जमाना था जब मैं आपके सामने खड़ा तो हूं इस समय, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। बेटे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के लेक्चर में मैंने बताना कुछ नहीं है, लेकिन आपने अगर ये लेक्चर अटेंड कर लिया ना तो आपको इसकी नीड, नेसेसिटी समझ आ जाएगी। आप को मैं जो बताने जाऊंगा, जब हम चर्चा करेंगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। मैं चर्चा शुरू करने वाला हूं, कमर की, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैंने चर्चा शुरू कर दी, मेरे दोस्त म्यूचुअल फंड की चर्चा शुरू कर दी। मुझे नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या है, मैं आज के 20 25 30 साल पहले चला जाता हूं। आज ईयर है 2019, बेटे एंड चल रहा है 2019 का, 2020 बस आने ही वाला है। मैं आज से 15 20 25 साल पहले चला जाता हूं। शायद आप उस टाइम में इस दुनिया में होंगे भी नहीं, आप किसी दूसरे रूप में होंगे। बेटे जन्म और मृत्यु की कहानी है। आप अगर 25 साल पहले गूगल में खोल कर देखें, आज देखें, तो बेटे आपको म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज इंडिया में तो नजर नहीं आएगी। लेकिन आज अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो बार बार म्यूचुअल फंड की तारीफ होती है कि इन्वेस्ट दिस, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन सिप। ऐसा कैसे हो गया, बंदा हाजिर है आपके सामने, सारी कथा व्याख्यान करेगा, आपको बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं इंडिया की बात करता हूं। बेटे ये इंडिया है, बेटे मेरा भारत महान। इस इंडिया में अगर आप ध्यान से देखें तो बड़े हमारे यहां पर इंडिया में हार्ड वर्किंग पीपल भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड वर्किंग है, लेकिन हार्ड वर्किंग की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू लेजी पीपल। हमारे जो संस्कार है ना बेटे इंडिया के, वो ऐसे संस्कार हैं कि मेहनत करने के ऊपर ज्यादा जोर डालते हैं। आप ये बताइए मिस्टर ए या जितने भी स्टडियंस हमारे इस इंडिया के हैं, बेटे बड़ी मेहनत करते हैं और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली तो बड़ी मेहनत करता है। सुबह सुबह 8 बजे सांझ, सुबह सवेरे 8 बजे अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि उसको ऑफिस बहुत दूर है।
और पूरा दिन काम करता है फिर शाम को आता है और बेटे ये प्रोसेस जिंदगी भर चलाता है और कुछ आमदनी कुछ इनकम अर्न करता है। बेटे ध्यान से सुनना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप में से कुछ बच्चे ढीले हुए हैं उनको ये लग रहा है कि ये पता नहीं क्या बता रहा है। बेटे जब तक ये बातें आपको नहीं समझ आएगी, आप मानिए कि आपको पूरा म्यूचुअल फंड समझ ही नहीं आएगा, फिर तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। आमदनी इनकम अर्न करता है और उसके बाद पूरे महीने उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी फैमिली है, उसका परिवार है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके अरमान हैं। तो बेटे वो कुछ खर्चे भी कर देता है, कुछ खर्चे करता है, कुछ आमदनी होती है। और आपको मैं फिर बता रहा हूं, इंडियन फैमिली मोस्टली एक्सपेंस कम करती है और इनकम ज्यादा होती है। मैं कहना चाहता हूं कि सेविंग्स जरूर करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सपेंडिचर। वो माना कि आजकल जनरेशन जो है दूसरी आ गई है, वो माना आपकी बात। एक सेकंड बेटे मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि एक हमारी इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिली है बेटे 100% वो सेव करती है, वो कम खाती है। क्योंकि पहले वाली जनरेशन की बात करें तो बेटे उनका तो अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें या हम पेरेंट्स को देखते ही हैं तो बेटे वो मेहनत ज्यादा करते हैं, खर्चा कम करते हैं और पैसों को बचाते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन देखें तो बेटे उल्टा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज हो रहा है, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। तो लेकिन वो इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में लोग ज्यादा मेहनती होते हैं और जिसमें ऐसी ऐसी क्वालिटी हो, इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम हो, बेटे लॉन्ग रन में वही इकोनॉमी ग्रो करती है। मैं लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे में बताना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि सेविंग्स एक इकोनॉमी में तभी होती है जब उसकी इनकम, और अगर हम उसकी एक्सपेंडिचर को देखें तो इनकम अगर ज्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर तो बेटे उस इकोनॉमी में सेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सवाल आता है कि इस सेविंग का हम क्या करें। सेविंग मतलब हमारे पास जो पैसे हैं, जो हमने अपनी पिगी बैंक में रखे हैं। बेटे पिगी बैंक, आप जब बचपन में छोटे थे ना तो आप ना पिगी बैंक बनाते थे, उस पिगी बैंक में पैसे जमा करते थे। गुल्लक होती थी बेटे मिट्टी की, और जिस दिन वो गुल्लक टूटती थी कितने सारे पैसे निकलते थे और आप सोने की कोई चीज खरीदते थे। बेटे हमारे यहाँ पे रीति रिवाज अगर हम देखें, ऐसे संस्कार हैं कि पैसों को बचाओ लेकिन इन्वेस्ट मत करो। बेटे वो चावल के कनस्तरों के बीच में पैसे छुपा देते थे पहले जमाने में, अलमारी की अखबार के नीचे छुपा देते थे। ज्यादा से ज्यादा हद भी कर दी लोगों ने तो बेटे बैंक में सेविंग अकाउंट में जाके पैसे जमा कर देते थे, बस FD भी नहीं कराते थे, RD भी नहीं कराते थे, शेयर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सवाल यह आता है कि क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? इसलिए पुरानी जनरेशन ने मेहनत बहुत की, पाकिस्तान से आए, बड़ी मेहनत की। सवाल आता है कि बेटे क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, रिच, वेदर यू वॉन्ट टू बिकम रिच? मुझे मालूम है आप मेरे से दूर है, आप मुझे आंसर नहीं बता पाएंगे, या बता भी गए होंगे तो शायद मुझे सुनाई ना दे। बेटे मेरे को पता है आप अमीर बनना चाहते हो, आपके भी बड़े बड़े सपने हैं, आप भी धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े बड़े सपने रचते हो, आप भी मुकेश अंबानी जैसे घर में रहना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास लिमोसिन गाड़ी हो जिसमें बेटे ट्रंप घूमता है, आप भी चाहते हो कि आपकी मीटिंग्स बड़े बड़े होटल्स में हो, आपकी बातों को सुना जाए। मुझे मालूम है बेटे आपको मैं जानता हूं क्योंकि मेरे को आपसे मन से प्यार है। तो आप अमीर बनना चाहते हो मुझे पता है, आपके ड्रीम्स है मुझे पता है, लेकिन बेटे वो अमीर बनने के लिए खाली मेहनत नहीं, बेटे पैसा कमाना एक बात है, पैसे को संभाल कर उसको इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना एक बात है। तो मैं आज आपको अमीर बनने की तरकीब बता रहा हूं। मैं अभी म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड की आपको जन्म की बातें बतानी है कि उसका उद्गम स्थान, जैसे गंगा जी आती है गंगोत्री से, तो बेटे उद्गम स्थान की बात कर रहा हूं, कहां से
ये कंसेप्ट आया म्यूचुअल फंड का, फिर मैं बात करूंगा सेबी की, फिर मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड की, फिर मैं चैप्टर 12 की, फिर मैं आईसीएसआई की, फिर मैं रेगुलेशंस की, फिर मैं एनएवी की, फिर मैं रिटर्न की, फिर मैं एक्सपेंसेस की, फिर मैं ग्रुप्स की, फिर मैं स्कीम्स की, फिर मैं ओपन एंड, वो सारी बातें करूंगा। लेकिन मैं आज कुछ नहीं करने वाला, मैं बस आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि एक इंडियन फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली की मेंटेलिटी इंडिया में क्या रहती है। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप अपने पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को ध्यान से देखना बेटे, वो एजुकेशन में बड़ा बिलीव करते हैं, मेहनत में बहुत बिलीव करते हैं, एक्सपेंस कम करते हैं, इनकम उससे ज्यादा होती है, लेकिन वो जो पैसे बचते हैं ना उस पे वो रिस्क कम लेते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए पूरे अमीर नहीं बन पाते। तो आज जो मैं आपको तरकीब बताऊंगा ना अमीर बनने की, आज से आप अपने घर में भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, और आप भी अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे, मैं तो कहता हूं 500 रुपए ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, तो आज के 10 साल बाद वो लाखों में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इस समय ग्रोइंग पाथ पे है, जवानी के साल है, और ये जवानी के साल बेटे बहुत दिनों के बाद आए। कितने साल हो गए, पहले तो हम गुलाम थे 300 साल, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऐसी आई, फिर हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, अब मेक इन इंडिया की बातें होती हैं, अब ब्लैक मनी हमने खत्म कर दिया, अब हम बात कर रहे हैं मोदी जी के पॉइंट से। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आपको ये बता रहा हूं कि इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ने वाला है, और अगर आप उस शिप में सवार हो जाते हैं तो आपकी भी पर कैपिटल इनकम, आपकी भी पैसिव इनकम, बेटे आपकी पैसिव इनकम, इनकम दो तरह से बनती है। अमीर बनने के दो रास्ते हैं, एक तो रोज हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, और दूसरा वो उसको मैंने बोला एक्टिव इनकम, और एक होती है बेटे पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। तो अमीर बनने के लिए यू शुड हैव टू टाइप्स ऑफ इनकम्स, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो सो रहा था और वो सोचने लगा कि ये मास्टर कह क्या रहा है, पैसिव इनकम क्या होती है और एक्टिव क्या होती है। बेटे जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, एक पैसिव पार्टनर्स होते हैं। पैसिव का मतलब है आपने जो पैसा कमाया, पैसे से पैसे को खींचा जा रहा है, पैसे से पैसे से को कमाया जा रहा है, दैट इज पैसिव इनकम। और जिस इतिहास गवाह है, जिसकी पैसिव इनकम होती है, आने वाले समय में वो ज्यादा अमीर बनेगा बेटे। क्योंकि आप कब तक मेहनत करोगे, एक लाइफ होती है यार, एंजॉय कब करोगे, छोटी सी लाइफ है, 20-22 साल के आप हो चुके हैं, चलो 19 के हो गए बेटे, अभी 3-4 साल आपको सेट होने में लग जाएंगे, सीए जो भी कर रहे हो आपको सेट होने में लग जाएंगे, उसके बाद फिर मैरिज करेंगे, 30 साल तो वैसे ही गुजर गए, 70-80 साल की एवरेज ही रह गई है, रह कितने गए आपके हाथ में साल, क्या उसमें भी मेहनत ही करते रहेंगे। तो आज अगर भूपेश आनंद की वो स्कीम्स को, वो बातों को, वो इन्वेस्टमेंट की आदतों को डाल लिया तो आपके वो अगले 40 साल सुनहरे बनने वाले हैं। मुझे नहीं बताया किसी ने, ना उस समय इतनी अवेयरनेस होती थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बेटे। म्यूचुअल फंड का चैप्टर तो साइड में रहा, करेंगे करेंगे, कोई घबराना नहीं है। आइए आइए जी आइए, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि आपको 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 अगर अमीर बनना है, अगर रिच बनना है, अगर रिच बनना है, अगर पूरी दुनिया घूमनी है तो पैसा तो चाहिए, और आपको पता है पैसा पैसा करती है, ले ले तू पैसा। बेटे गाना बहुत बढ़िया से मैं दिखाना चाह रहा हूं एक सेकंड के लिए, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तुम मेरी। बेटे पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। आज के डेट में आप कोई भी चीज लेने जाए, पूरी दुनिया घूमे, बेटे उन सभी चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा आपको कमाना है मेरे को मालूम है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि उस पैसे के लिए, अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए आपको क्या करना है। आपको बस एक काम का ध्यान रखना है, जो आप सेव करते हैं या जो आपके पेरेंट्स ने मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसको धीरे धीरे उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। बेटे इन्वेस्टमेंट से ही अमीर बन सकते हैं,
आपके घर में जो पैसे हैं अगर घर में ही रह गए तो एक साल के बाद वो पैसे ऑटोमेटिकली डीवैल्यू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पुराने जमाने में राजा महाराजा यही किया करते थे, क्योंकि उस समय ना तो कोई स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, ना कोई म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट था, ना भूपेश आनंद था, ना अवेयरनेस थी। होता क्या था कि राजा महाराजा क्या करते थे, सोना हीरे जवाहरात मेटल्स पहाड़ों की गुफाओं में जाते थे, या गुफा खोदते थे जमीन के नीचे, उसमें गाड़ देते थे मटके, और उसी जंगल में उस बगीचे में सांप छोड़ देते थे, इच्छाधारी सांप, जिससे कि कोई भी उनका वो खजाना चोरी ना कर पाए। और होता क्या था कि वो राजा मर जाता था, उसके बाद वो बेटे को पता नहीं होता था, बेटा भी संभाल के रखता था, और वो पैसा वैसे का वैसा ही रह जाता था, और अमीर नहीं बन पाते थे। जो अमीर थे बस अमीर, जो गरीब थे गरीब। लेकिन आज आपके पास रास्ता है बेटे अमीर बनने का, एक ही रास्ता है। आप जो सेविंग कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट्स करें। सवाल आता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहां पे करें, कहां पे पैसे लगाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बड़े सारे रास्ते हैं, बड़े सारे एरियाज हैं, बड़े सारे टूल्स हैं, बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं वेयर यू कैन इन्वेस्ट। बेटे आप चाहे तो बैंक की एफडी ले सकते हैं, आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं, आप चाहे तो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, आप चाहे तो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो बेटे बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक ले सकते हैं, और आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। धीरे धीरे आ रहा हूं बेटे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है बेटे। मैं धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ पहुंच जाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव वहीं पर है। आप बस सुनते रहिए कहानी किस्मत की, भूपेश आनंद की कहानी किस्मत की। अमीर बनने के लिए हम यहां तक पहुंच गए अपनी चर्चा में कि हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है, और इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं। सवाल आता है कि कहां पे इन्वेस्ट करें। अगर मैं किसी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता हूं तो ब्याज मिलता है मुझे मैक्सिमम 8-10%, और महंगाई के दर देखें तो बेटे 11-12% की महंगाई की दर है। इसका मतलब अगर आप बैंक की एफडी में अपने पैसे हार्ड अर्न मनी जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में बेवकूफ है, आप अनपढ़ है। क्यों? क्योंकि एक रिक्शे वाला भी तो यही करता है, आप तो यार पढ़े लिखे हो। क्योंकि अगर आप किसी बैंक की एफडी में पैसे जमा कर भी दोगे तो वो 100 रुपए के एक साल के बाद 110 बनेंगे, लेकिन महंगाई हो जाएगी 11%। आपको 111 जो 100 रुपए हैं, जो 100 रुपए की चीज आज आती है, एक साल के बाद वही चीज 111 रुपए की आएगी, और आपके पास होंगे 110 रुपए। इसका मतलब आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ बेटे, आपको सिक्योरिटीज में, आपको शेयर्स में, आपको प्रेफर्ड स्टॉक में, आपको डिबेंचर्स में, आपको बॉन्ड्स में, आपको म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी नहीं बताया म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, मैं खाली आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेटर तरीका बैंक एफडी नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स का पैसे देखें, उनसे आज जाकर पूछें, तो उन्होंने मैक्सिमम पैसे बैंक की एफडी में लगाए हुए हैं। बेटे बैंक की एफडी से कुछ होने वाला नहीं है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको। आइए कुछ देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। आइए जी, आइए आइए आइए। कहां चला गया बेटे, वो कहां चले गए। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक विचार रख रहा हूं, और उस विचार को आप देखें और मुझे बताएं कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बेटे मैं वॉरेन बुफे का एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप सुनना कि वॉरेन बुफे कहना क्या चाहता है। मैं आपको शायद उसकी बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं खाली आपको फोटो दिखाना चाह रहा था कि वॉरेन बुफे दिखने में ऐसा है, अमेरिका में रहता है और इन्वेस्ट कर करके ही करोड़पति बन गया। ठीक है जी, आप उसके बाद एक बार और आ जाएं
वेयर टू इन्वेस्ट, थोड़ा सा एक ये वीडियो देखें कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मौजूद है रूटा से कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन। रूटा हर्ष, स्वागत है आपका जॉनवाई में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अर्जुन जौहरी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन पर। अर्जुन जी नमस्कार। ये चैनल आप देखते रहते होंगे बेटे, आपको इन्वेस्टमेंट की बड़ी सारी टिप्स इन चैनल्स के थ्रू मिलती होंगी और आप इन्वेस्ट करते होंगे। मैं उन्हीं के ऊपर आ रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, बिल्कुल सही बात है, हमें अमीर बनना है। और अमीर बनने के लिए अभी तक हमने ये समझ लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लेकिन सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है। मैंने ये भी बता दिया कि इन्वेस्टमेंट्स जब तक आप सिक्योरिटीज में नहीं करेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। खाली बैंक में जमा करने से तो आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितनी महंगाई हो रही है, कई बार तो उससे कम ही मिलते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब आपको पता ही है बेटे, एक ये पोर्टली है जहां पर इक्विटी शेयर्स भी है, जहां पर प्रेफरेंस शेयर्स भी है, जहां पर डिबेंचर्स भी है, जहां पर बॉन्ड्स भी है। आपके रिस्क के ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और कहते हैं जितना मीठा हम डालते हैं, जितनी चीनी डालते हैं उतना मीठा होता है बेटे। ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर कि हाउ मच रिस्क एंड रिटर्न यू कैन बियर। रिस्क का और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे अम्ब्रेला का बिकना और बारिश का होना, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बारिश जब ज्यादा होगी तो रेनफॉल जब ज्यादा होगी तो छाते ज्यादा बिकेंगे, रेनफॉल जब कम होगी तो छाते कम बिकेंगे। ये बात तो हम सबको मालूम है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आलिया जो कहती है रणबीर उस बात को यस करता है, रणबीर जो कहती है आलिया उस बात को यस करती है। इसी तरह से बेटे रिस्क रिटर्न का एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और रिस्क जितना आप ज्यादा लोगे उतना रिटर्न ज्यादा होगा। लेकिन सवाल आता है कि रिस्क कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी एज कितनी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे हैं, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी जॉब सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं। इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा क्या डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कैसी है। चलिए हमने देख लिया कि आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट करने के मैंने कहा ये दो तरीके हो सकते हैं, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये है कि आप अपने आप सिक्योरिटी को एनालाइज करें। कोई भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एनालिसिस करें, और जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद उसका मैनेजमेंट करें, उसमें इन्वेस्ट करें। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दो स्टेप्स बताए, एक सिक्योरिटी का एनालिसिस और एक उसमें इन्वेस्टमेंट। एक बच्चा पूछ रहा सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होती है, बेटे सब बताऊंगा। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है और उसको कहता है डॉक्टर को, ए डॉक्टर मेरी तबीयत खराब है, तो एकदम डॉक्टर दवाई नहीं देता। डॉक्टर उस मरीज से, उस पेशेंट से, उस व्यक्ति से, उस रामलाल से कुछ पूछता है कि तू अपनी आंखें दिखा, गला दिखा, ब्लड प्रेशर दिखा, शुगर लेवल दिखा, बाकी चीजें दिखा, नाक दिखा, कान दिखा, और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। बेटे इतना करने के बाद एक डॉक्टर कुछ कंक्लूजन पे पहुंचता है कि भाई तेरे को इस तरह की फलानी फलानी तरह की बीमारी की आशंका है, तू ये दवाई खा, ये खा और तू ठीक हो जाएगा। इसका मतलब उस डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने पहले उस पेशेंट का एनालिसिस किया। दवाई एकदम नहीं दी, आपको एकदम इन्वेस्ट नहीं करना, आपको पहले उस सिक्योरिटी का एनालिसिस करना है। अब बेटे आपको मैं यही बात बताने जा रहा हूं, मैंने शायद एक लेक्चर में बताई कि अगर आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जिसके पास तीनों चीजों का ज्ञान है। एक बच्चा कहता है कौन सी तीनों चीजें, बेटे मैं आपको आज एक खुलासा करने वाला हूं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना, सोचना और समझना कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं।
आपको मैं आज अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट की बातें करने वाला हूं, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने अभी अभी आपको कहा कि आपको पहले सिक्योरिटी की एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने का मतलब है हम उसके बाद उसका पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसको फिर मैनेज करेंगे। अगर आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ग्रुप टू में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर आप स्टडी मटेरियल देखें तो लेसन नंबर 8 सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर है और लेसन नंबर 9 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर है कि एक सिक्योरिटी की एनालिसिस होती कैसे है। अभी बताऊंगा, इंट्रोडक्शन तो दूंगा, बाकी तो डिटेल में मैंने एफएम में बताया हुआ है, उसके बाद उसको मैनेज कैसे करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखें, बेटे ये एफएम की बात की, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देखें तो चैप्टर 3 या चैप्टर 2 है शेयर कैपिटल का, कि अगर एक कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करती है तो उसको उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, उसके लेजर अकाउंट्स कैसे बनेंगे, बायबैक करती है, आईपीओ लेकर आती है, राइट इशू करती है, ईसॉप्स करती है, ईएसएस करती है, तो बेटे वो अपनी बुक्स में उसकी एंट्रीज अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये आपको सिखाया जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और जो ये कंपनी है इस कंपनी ने जिसने सिक्योरिटी इशू की है, इसको कौन कौन सी रेगुलेशंस, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन सी प्रोविजंस, कौन कौन सी बातें बड़े बड़े पापा की माननी पड़ेंगी, बेटे वो हम करेंगे सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट के पेपर में। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीनों सब्जेक्ट्स का आपस में इंटरलिंक है और मैं भूपेश आनंद ये कसम खाता हूं कि मैं आपको हर चैप्टर में इंटरलिंकिंग समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये चीज हम एफएम में करेंगे, ये चीज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में करेंगे और ये चीज सिक्योरिटी लॉ के पेपर में करेंगे। बेटे मैं आपका भला चाहता हूं, अब सुनना मेरी बात को, सुनना, कमर सीधी करके बैठ जाओ। कुछ बच्चे ढीले बैठे, नहीं बेटे बिल्कुल ढीले नहीं बैठ रहा, आप इस समय बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। बेटे आप मानिए कि एक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर ने एक मरीज को बेहोश तो कर दिया और उसको ऑपरेशन भी कर दिया, लेकिन अभी स्टिचेस नहीं लगाए, अभी वो बेहोश ही हालत में पड़ा है। बेटे अब उसको फटाफट स्टिच करने दो, बेटे मुझे थोड़ा सा और बताने दो, उसके बाद आपको लेट के पढ़ना है, सोना है, जो मर्जी करना है, सिर्फ 5 मिनट तो दे दो यार, 5 मिनट दे दो। मैं यहां पे आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूं आपको, मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको यहां तक बताया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और इन्वेस्टमेंट करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप क्या करें, सिक्योरिटी को एनालिसिस करें। एक बच्चा कहता था, सर ये सिक्योरिटी एनालिसिस होती क्या है? बेटे मैंने डिटेल में बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बट स्टिल अभी बता रहा हूं कि आपको अगर सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में समझना है तो ये बात समझना है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं, आप मुझे बताइए, आप जब पैसे किसी सिक्योरिटी में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। बेटे सिक्योरिटीज को मैं अगर ब्रॉडली डिवाइड करूं, I can divide in two parts: fixed income securities and non-fixed income, variable income securities. एक बच्चा कहता है क्या? बेटे fixed income वो ऐसी securities जहाँ से आपको fixed पैसे मिलेंगे, interest fixed मिलेगा, कुछ income fixed मिलेगी। Mutual fund की भी बड़ी सारी schemes हैं जहाँ पर आपको fixed income मिलेगी। मैंने जबकि अभी तक mutual fund के बारे में कुछ नहीं बताया, अब बताऊँगा और 2 मिनट के बाद। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम में और नॉन फिक्स्ड इनकम। बेटे इक्विटी शेयर्स नॉन फिक्स्ड इनकम है, इसका मतलब वहां फिक्स्ड कुछ नहीं है, आप इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अब यह ढूंढना है उस भीड़ में से कि आप वाला पिंक कौन सा है, किसको ढूंढना चाहते हैं। बेटे इतनी भीड़ है, इतनी सारी सिक्योरिटीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उस 12,000-13,000 कंपनीज में से
आपको एक ऐसी कंपनी निकालनी है जिसमें आप अपने मेहनत के पैसे, मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बच्चा दूसरे से पूछने लगा, ये चैप्टर म्यूचुअल फंड ही है ना? हाँ बेटे, म्यूचुअल फंड ही है। आप कर रहे हैं सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट में चैप्टर नंबर 12 म्यूचुअल फंड, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2। बात करते हो मजाक की, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं और आप बीच में ऐसे पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको उस सिक्योरिटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेटे आपको उस सिक्योरिटी को निकालने के लिए सबसे पहली बात, उस अपनी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी को देखना पड़ेगा कि आपकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है जी बेटे, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी को अगर मैं देखूं तो मैं तीन तरह से कह सकता हूं। एक तो होती है बेटे एग्रेसिव, कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क लवर्स। कुछ लोग रिस्क लवर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्काई डाइविंग में इतने हजार फुट से ऊपर से कूद जाते हैं, रिस्क लवर्स। कुछ होते हैं रिस्क एलर्जिक्स, जो रिस्क से एलर्जी करते हैं, रिस्क एलर्जिक्स। और बेटे कुछ होते हैं रिस्क मॉडरेट, जो मॉडरेट रिस्क लेते हैं, मैं कहूंगा उसका नाम है रिस्क मॉडरेट। ऐसा भी कह सकते हैं कंजर्वेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, कुछ भी आप लॉजिक में देखिए, अभी अक्षरों में मत जाइए। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कौन सी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी को ढूंढना है और उस सिक्योरिटी को ढूंढने के लिए आपको एनालिसिस करना है। और बेटे एनालिसिस करने के लिए आपको दो एनालिसिस करने पड़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात बेटे। एक तो करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस। बेटे बड़े प्यार से मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 8 में समझाया है। और एक करना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। ध्यान से मेरे बेटे, ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो चुकी, बिगुल बज गया उस इंपॉर्टेंट बात का। मैं कहता हूं मुझे सेविंग करनी है, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए मुझे रिस्क अपनी देखनी पड़ेगी और उसके बाद सिक्योरिटी का एनालिसिस करना पड़ेगा। और बेटे फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कहता हूं कि एक एनालिसिस आपको करना पड़ेगा इकोनॉमिक एनालिसिस। ध्यान से मेरे लल्ला, एक करना पड़ेगा इंडस्ट्री एनालिसिस और एक करना पड़ेगा कंपनी एनालिसिस। एक बच्चा कहता है सर ये समझ नहीं आया क्या लिख दिया, ये जर्मन लैंग्वेज है क्या? इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। अभी बताता हूं, ठंड रखिए, सब बताऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। मैं आपको रियलिटी में हर चीज बताऊंगा और फिर म्यूचुअल फंड के ऊपर आ जाऊंगा और आपको नीड बताऊंगा कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। और बेटे वो 14 अक्षर अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, अभी देखेंगे कैसे अच्छा है। आप ये बताइए कि मैंने कहा जी आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना है और टेक्निकल करना है। और फंडामेंटल के मैंने कहा सबसे पहले आपको इकोनॉमी देखनी है, फिर इंडस्ट्री देखनी है और फिर कंपनी देखनी है। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप के घर में आपके बड़े भैया की, आपके बड़े दीदी की कहीं पे भी रिश्तेदारी में बेटे विवाह जरूर हुआ होगा, मैरिज जरूर हुई होगी आपके भाई बहन की, आपके कजन्स की, आपके रियल ब्रदर्स की, सिस्टर्स की, या आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो बेटे विवाह का जो कार्यक्रम है उससे पहले बड़ा लंबा प्रोसेस होता है जो लड़की के मम्मी पापा और लड़के के मम्मी पापा करते हैं। कितने महीने बीत जाते हैं। और मैं तो सबसे पहली बात करता हूं, जब बिल्कुल पहली बार अभी कुछ भी नहीं हुआ तो बेटे लड़की के मम्मी और पापा ये बेचारे बड़े चिंतित होते हैं। इनको दान देना है बेटे, कन्या का दान, महादान। इनको जब दान देना होता है अपनी अपनी बेटी को तो बेटे वो उस लड़के को दान में देंगे और उस लड़के से पहले
लड़के का लड़के से पहले उसके पेरेंट्स को देखा जाता है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं और उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके उनके पेरेंट्स मतलब इस लड़के के ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, पूर्वज कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, रावत पाकिस्तान से आए हैं या हिंदुस्तान में थे, किस देश में रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनका रीति रिवाज क्या है, उनके खाने पीने का ढंग क्या है, उनका घर कैसा है, घर अपना है गंदा है खराब है अच्छा है किराए का है, ये सारी बातें देखी जाती है। और उसके बाद जब हमें लगा कि पूर्वज अच्छे हैं, माता पिता भी अच्छे हैं, पॉजिटिव है, छोटी फैमिली है, घर अपना है, उसके बाद ये लड़की के माता पिता उस लड़के से पूछते हैं, बेटे ए बेटे बेटे आपको पता है आपके एक मम्मी पापा और बनेंगे, अभी आपके एक मम्मी पापा ना रियल, जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपके एक और मम्मी पापा बनेंगे, बेटे वो पूछेंगे बेटा कितना कमा लेते हो, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ रहते हो, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को दान में देना है। बेटे उनको ये जरूर चिंता लगी रहेगी कि ये जो लड़का जिसको हम दान में देंगे क्या ये मेरी बेटी को खुश रख पाएगा, क्या ये मेरी बेटी को घुमा पाएगा, क्या ये मेरी बेटी को का ध्यान रख पाएगा, केयर कर पाएगा। इसका मतलब उस लड़की के मम्मी पापा उस लड़के का एनालिसिस कर रहे हैं कि सच में ये लड़का अच्छा है या नहीं। बेटे जब उनको लगेगा ना अच्छा है तभी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब तभी पोर्टफोलियो बनाएंगे और तभी तभी तारों की छांव में एक दिन शादी होगी और डोली चली जाएगी तारों की छांव में। मैं लॉजिक बताऊंगा कि तारों की छांव में क्यों जाती है अभी देखेंगे, लेकिन मैं अभी इस समय कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिक्योरिटीज में चाहिए, सिक्योरिटीज के लिए एनालिसिस करना है, एनालिसिस में फंडामेंटल टेक्निकल फंडामेंटल में आपको तीन एनालिसिस करने, एक इकोनॉमिक एनालिसिस, एक इंडस्ट्री एनालिसिस, एक कंपनी एनालिसिस। आप बताएं मुझे, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आप पाकिस्तान इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तालिबान इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपका आंसर होगा कि हम सर इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मेरा दूसरा सवाल होगा कि why India, why not Pakistan? तो आप पता क्या बोलेंगे, सर इंडिया की जीडीपी, सर इंडिया की टेक्नोलॉजी, सर इंडिया की एजुकेशन, सर इंडिया की पर कैपिटा इनकम, सर इंडिया की लीडरशिप, इंडिया का ये, इंडिया का वो, इंडिया का ये। तो आप कहीं ना कहीं उस इंडिया की इकोनॉमी का एनालिसिस कर रहे हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान इकोनॉमी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को देखने के लिए उसकी जीडीपी, उसकी नेशनल इनकम, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसका पर कैपिटा, उसकी रिसर्च, उसके पास उसकी उसकी करेंसी, उसकी लीडरशिप, उसके फॉरेन रिजर्व्स, उसके गोल्ड रिजर्व्स, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का देखा जाता है बेटे, फिर जाके हम किसी इकोनॉमी में सिलेक्ट करते हैं। अच्छा चलिए, आपने इंडिया, आपने इंडियन इकोनॉमी को सिलेक्ट कर लिया कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर बड़े सारे बेटे सेक्टर्स हैं। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें, जो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा बेटे, लाइव ट्रेडिंग करूंगा आपके सामने, लाइव शेयर्स को खरीदूंगा, लाइव शेयर्स को बेचूंगा। अभी नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ दूसरी बात करना चाहता हूँ। तो बेटे बड़े सारे सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ऐसे ऐसे 14-15 सेक्टर्स हैं। आप बताइए कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सपोज करते हैं आपने आईटी सेक्टर को चूज कर लिया कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सी चलने वाली है, आपको ऐसा लगता है, तो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी, इस इंडस्ट्री के आगे डिमांड है, आगे हम डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं, और डिजिटाइजेशन होगी, अभी तो जितनी हुई है 5% हुई है, और मोबाइल बैंकिंग होगी, और ज्यादा चीजें आएंगी, तो आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपने जाने अनजाने में इंडस्ट्री एनालिसिस कर लिया। मेरे साथ जुड़े रहना, मैं फिर कह रहा हूं ढीले मत पड़ना, मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ क्यों। अब आप ये बताइए कि आईटी सेक्टर आपने चूज कर लिया, इंडिया आपने चूज कर ली, आईटी सेक्टर चूज कर लिया, अब आईटी के अंदर इंफोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं, आप कौन सी सिक्योरिटी को लेना चाहेंगे। बेटे अगर आप इंफोसिस को लेते हैं
तो मेरा सवाल होगा कि आप इंफोसिस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शायद आप इंफोसिस के डायरेक्टर्स, इंफोसिस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंफोसिस का ईपीएस, इंफोसिस का एमपीएस, इंफोसिस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, इंफोसिस के नारायण मूर्ति, इंफोसिस का कैपिटल बेस, इंफोसिस का बिल्डिंग्स, इंफोसिस की इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी बातों पर ध्यान देंगे और फिर आप इंफोसिस को डिसाइड करेंगे। बेटे आपने जाने अनजाने में कंपनी एनालिसिस कर दिया। फंडामेंटल का मतलब है फंडामेंटली वो सिक्योरिटी किस इकोनॉमी में है, किस इंडस्ट्री में है, किस कंपनी में है, क्या ये ठीक है या नहीं, बेटे उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद आपने सिक्योरिटी एनालिसिस में दो एनालिसिस करने हैं, एक बेटे फंडामेंटल और एक करना बेटे टेक्निकल। फंडामेंटल इकोनॉमी, फंडामेंटल में इंडस्ट्री, फंडामेंटल में कंपनी। अब मैं कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बेटे हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम यहां पर सांड का इस्तेमाल करेंगे, हम यहां पर भालू का इस्तेमाल करेंगे। अभी बताऊंगा बेटे सांड क्यों और भालू क्यों, अभी बताऊंगा, उनका नेचर देखेंगे, सांड किस तरह का है दिखता है, उसका नेचर क्या है, भालू कैसा दिखता है, सफेद भालू कैसा दिखता है, काला भालू कैसा दिखता है, और यही दो जानवरों का प्रयोग क्यों किया गया, चीते का, लोमड़ी का, चूहे का क्यों नहीं प्रयोग किया, अभी देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि यार वो सिक्योरिटी अच्छी है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं, उसकी इंडस्ट्री भी अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है, लेकिन ये एक्चुअली में आजकल क्या कर रही है। मतलब लड़का तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, इसके घर वाले भी अच्छे हैं, घर भी इनका अपना है, नेचर भी अच्छा है, लेकिन लड़का आजकल कुछ ज्यादा कमा नहीं पा रहा, उसके सितारे आजकल गर्दिश में हैं। कभी सुना होगा ना आपने, दिस सिक्योरिटी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बट टेक्निकली वीक, ऐसे सुना होगा। टेक्निकली वीक का मतलब है आजकल ये कंपनी, आजकल ये शेयर, आजकल ये ग्रुप बढ़िया नहीं कर पा रहा। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने अगर एक मूवी देखी हो बेटे शोले, शोले देखी नहीं, शोले में मैं एक बार थोड़ा सा देखता हूं कि मैंने शायद कुछ निकाला तो हुआ था। शोले, शोले को देख लेते हैं कि कुछ आपके लिए मैंने किया है या नहीं, निकाला था। अब एक सेकंड बस बेटे, बस मेरे को बेटा एक मिनट दोगे तो मैं आराम से कर पाऊंगा, जल्दबाजी नहीं। अभी देखेंगे शाहिद कपूर की मूवी भी दिखानी है, इसमें देखेंगे क्या हुआ था शाहिद कपूर के साथ, अभी देखेंगे बेटा, सब कुछ देखने वाले हैं। बस मेरे को अगर एक मिनट दोगे तो मेरी गलती रहेगी, पहले मैंने निकाल के नहीं रखा, ये मेरी मिस्टेक है, तो या मैं नेक्स्ट क्लास में भी दिखा सकता हूँ, ऐसा भी कोई टेंशन की बात है नहीं। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, चलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चलिए मैं ऑनलाइन हूं, मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूं, मैं आपको शोले मूवी में लेके जाना चाहता हूं और शोले मूवी की इमेजेस दिखाना चाहता हूं, और उसमें एक ऐसी इमेज भी थी जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी मौसी के साथ बैठा होता है और वीरू मैं बेटे एक सेकंड पॉज करके देख, बेटे मैंने आपके लिए वो स्लाइड ढूंढ ली, ये देखिए जी, टेक्निकल एनालिसिस को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक मूवी का इस्तेमाल कर रहा हूं और उस मूवी का नाम है शोले।
बेटे शोले बहुत पुरानी मूवी है, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, गूगल में जाकर जरूर देखना, बड़ी मशहूर मूवी थी और इसी मूवी से अमिताभ बच्चन को बहुत बड़ा जंप मिला था। बेटे इस मूवी में एक एक धर्मेंद्र होता है और बेटे एक एक अमिताभ बच्चन होता है और धर्मेंद्र को प्यार हो जाता है हेमा मालिनी से और इसी मूवी के बाद शायद उनकी विवाह भी हुआ। बेटे उसकी हेमा मालिनी की एक मूवी एक मौसी होती है मौसी, और वो मौसी मानती नहीं है हेमा मालिनी की धर्मेंद्र से शादी कराना। तो एक बार धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे देखिए टैंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है, हाथ में विस्की की बोतल है और गांव वालों से कह रहा है गांव वालों मेरी शादी करा दो। किससे? हेमा मालिनी, उसका नाम धन्नो होता है, धन्नो बसंती, बसंती। लेकिन मौसी कहती है मैं नहीं कराऊंगी। तो बेटे एक पेड़ के नीचे अमिताभ बच्चन मौसी को समझा रहा होता है कि धर्मेंद्र कितना हट्टा कट्टा है, ये देखो ये मौसी को समझा रहा है कितना हट्टा कट्टा है, कितना जवान है, कितना गबरू है, क्यों नहीं तू शादी कर देती बसंती की उस धर्मेंद्र से, कभी कभी अगर शराब पी लेता है तो क्या हुआ। बेटे अमिताभ बच्चन उस मौसी को ये कहना चाह रहा है कि धर्मेंद्र फंडामेंटली बड़ा स्ट्रांग है लेकिन टेक्निकली वीक है। इसका मतलब कई बार उस सिक्योरिटी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि फंडामेंटली बड़ी अच्छी कंपनी है, सब काम बढ़िया है, इकोनॉमी अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बट मार्केट में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। बेटे उस केस में मैं कहूंगा दैट सिक्योरिटी इज फंडामेंटली स्ट्रांग बट टेक्निकली वीक। और कई बार इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती लेकिन कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही होती, तो हम कहते हैं फंडामेंटली वीक बट टेक्निकली स्ट्रांग। और कई बार दोनों अच्छी होती है, जैसे मैं कहूं दीपिका पादुकोण। बेटे दीपिका पादुकोण दिखने में अच्छी है, हाइट अच्छी है, अमीर भी है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, लुकिंग अच्छी है, तो मैं कहूंगा रणवीर के दोनों हाथ घी में है। इकोनॉमी भी अच्छी, फंडामेंटली स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग। बेटे इस तरह से हम किसी सिक्योरिटी का एनालिसिस करते हैं। मैं कहां था बेटे, मैंने अभी बताना है, क्या बताना है बेटे, बहुत सारी बातें बतानी है, मैं बताऊंगा बेटे, अभी नहीं बता रहा, अभी पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं कहीं मुद्दे से हट न जाऊं। मैं चैप्टर करा रहा हूं म्यूचुअल फंड का, बार बार याद कराता हूं क्योंकि अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड का नाम भी नहीं लिया, तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं ना कि शायद कुछ दूसरा ही लेक्चर हो रहा है। बेटे मैं सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप 2 सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट का चैप्टर नंबर 12 म्यूचुअल फंड करा रहा हूं। आज उसकी पहला लेक्चर है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने बस बताया सेविंग्स, फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने कहा रिच, फिर मैंने कहा सिक्योरिटी एनालिसिस, फिर मैंने कहा फंडामेंटल एनालिसिस, फिर मैंने कहा टेक्निकल एनालिसिस। बेटे एक लड़के की और लड़की के साथ एनालिसिस किया जाता है, शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ कुछ होता है। बेटे या तो प्यार से रहते हैं लड़का और लड़की और या लड़ाई करते हैं। बेटे डाइवोर्स भी हो जाता है, आपने देखा होगा बड़े सारे केसेस में डाइवोर्स हो जाता है और प्यार से भी रह सकते हैं। सवाल ये आता है कि आप एक मिडिल मैन है, बस ध्यान से सुनना कहानी शुरू, बिल्कुल यू टर्न लेने वाला हूं मैं यू टर्न लेने वाला हूं। मैं अभी तक आपको ये बता चुका हूं कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए या तो सिक्योरिटी की एनालिसिस करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए आपको moneycontrol.com देखनी पड़ेगी, आपको विकिपीडिया देखनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़नी पड़ेगी। बेटे आप में से तो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि इकोनॉमिक टाइम्स नाम का भी कोई पेपर आता है, आप तो बस पंजाब केसरी देखते हो, उसमें रंगीन फोटो देखते हो, आपको तो इकोनॉमिक टाइम्स का भी नहीं पता। बेटे आपको ये सारा ज्ञान रखना पड़ेगा। एक बच्चा कहता सर आपको क्या लगता है एक कॉमन इंसान, एक मैंगो पीपल इतनी सारी बातों का ध्यान रख पाएगा? बेटे अगर नहीं भी रख पाओगे तो आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो और उसको फीस दे सकते हो, बेटे ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको टच में रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा व्हेन टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, हाउ मच इज माय रिस्क।
बेटे एक कॉमन इंसान, एक मिडिल क्लास, सुबह 8 बजे अपने घर से चला जाता है लंच बॉक्स स्टील का डब्बा अपने हाथ में लेकर। बेटे मान लो पटेल नगर रहता है और नोएडा जाना, तो 1 घंटा उसको मेट्रो में लग जाएगा और नोएडा उतरता है 9 बजे 9:15 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है और पूरा दिन एम्प्लॉयर की सुनता है। और 6 बजे जब उसकी नौकरी खत्म होती है तो वो स्टील का डब्बा खाली लेकर घर आ रहा होता है, 1 घंटा फिर लग जाता है। बेटे इतना थक चुका होता है कि घर वाली कहती है कि ये लो सब्जी का थैला, जाके सब्जी ले आओ, क्योंकि पॉलिथीन तो मोदी जी ने बंद कर दी है। बेटे आप फिर सब्जी लेने चले जाते हो, बेटे रात को 8:30 बज जाते हैं, आलू प्याज सब्जियां सब लेके आते हो, आप के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप अपना घर भी ढूंढ लो। आप पड़ोसी के घर में घुस जाते हो, राम प्यारी पड़ोसी के घर में कहती है ए आपका घर ये नहीं है, साथ वाला है, तो आप साथ वाले घर में आते हो। कहने का मतलब है कि इतने बिजी शेड्यूल में, इतनी मारोमार में, क्या आपको लगता है कि एक इन्वेस्टर, एक कॉमन इंसान जिसने पहले पैसे कमाए उसके बाद वो इन्वेस्ट करने में सक्षम होगा, कैपेबल होगा? कभी नहीं बेटे, हो ही नहीं सकता। डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जहां पर अभी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, किंगफिशर एयरलाइन, सत्यम, लेमैन ब्रदर्स, सारा, बेटे एक कॉमन इंसान के पैसे अगर ऐसे खत्म हो जाएंगे तो वो मर जाएगा। इसलिए मैं आपको यही कहने जा रहा हूं कि वो अपने आप इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बेटे नहीं कर सकता। तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य गलानि भवति भारत, तब तब किसी का जन्म हुआ। और बेटे बेटे एक 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 नए कंसेप्ट का जन्म हुआ और उस कंसेप्ट को कहा गया म्यूचुअल फंड। अब आपको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड का इवोल्यूशन कहां से हुआ, उसकी जरूरत कहां से महसूस हुई, उसका आने का वजह क्या थी। हर चीज की बेटे वजह होती है। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड की वजह बताने जा रहा हूं कि बेटे म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट अमेरिका से चला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इंडिया में पहुंचा। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कुछ प्रोफेशनल्स को, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कुछ कंपनी सेक्रेटरीज को, कुछ सीएफएस को, कुछ सीटीएस को, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए, सीटीए चेक, चार्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सब का एक ग्रुप बनाते हैं और उस कंपनी में इन सब को हम कहते हैं कि भैया ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। देखिए मैं डिटेल में बताऊंगा अभी जब मैं मेन लेक्चर शुरू करूंगा, अभी मैं खाली बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। एक कंपनी बनाई जाती है, उससे पहले तो मैं कहूंगा कि बेटे एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर, हाँ, जैसे HDFC बैंक स्पॉन्सर है HDFC म्यूचुअल फंड का, जैसे एक्सिस बैंक स्पॉन्सर है एक्सिस म्यूचुअल फंड की। बेटे एक स्पॉन्सर होता है और वो बनाता है ट्रस्ट। आहा, बेटे म्यूचुअल विश्वास पे काम होता है और उसके ट्रस्ट के होते हैं ट्रस्टीज। ट्रस्ट के बेटे ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया जाता है और ये ट्रस्टीज स्पॉन्सर की मदद से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बनाते हैं। बेटे ऐसी कंपनी, ऐसे लोग जो नॉलेज में, जो सरस्वती, जिनका, जिनके पास ज्ञान है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज, ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ऐसे सीएफए, और वो क्या करते हैं बेटे, उनको क्या करना है, वो सारे काम करने हैं जो मैंने अभी बताए थे। सिक्योरिटी को एनालाइज करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, कंपनी एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, और एक कंक्लूजन पे पहुंचना है कि वेयर टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हेन टू सेल, कहां पे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कब बेच दें। बेटे यही तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। मैं आज के लेक्चर में और आने वाले 1-2 लेक्चर्स में, बेसिक लेक्चर्स में यही तो बताने वाला हूं कि ये काम आम आदमी नहीं कर सकता, वो मर जाएगा बेटे। तो उसके लिए
एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ जिसको हमने कहा कि उस कंसेप्ट का नाम है म्यूचुअल फंड। इसका नाम म्यूचुअल फंड क्यों पड़ा, सोचने की बात है बेटे, हम सब का है, हम सब साथ साथ है, हम सबका फंड है, सब लोग बेटे, आम आदमी, मैंगो पीपल, आम आदमी इस फंड में बेटे अपने पैसे लगाएंगे, एक फंड बनेगा, पूल ऑफ फंड्स होगा, उस फंड को ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करेगी, अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगी एज पर द ऑब्जेक्टिव, और उसमें प्रॉफिट अर्न करेगी, और वो जो प्रॉफिट होगा सबको बांटा जाएगा, और वो सब कौन, मैंगो पीपल, उनका नाम शेयर होल्डर नहीं है, उनका नाम है यूनिट होल्डर। मेरी बात को आप समझ लीजिए ध्यान से, ऑल दीज पीपल विल बी नेम्ड एज यूनिट होल्डर्स। देखेंगे डिटेल में, देखेंगे क्या क्यों यूनिट होल्डर क्यों, ऐसा सब कुछ देखेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा, मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड का मतलब है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक स्पॉन्सर, एक ट्रस्ट, एक ट्रस्टीज, एक फंड, और उस फंड में यूनिट होल्डर्स। और बेटे उस यूनिट होल्डर्स की बात अगर हम करें तो जैसे म्यूचुअल फंड में ये सभी लोग यूनिट होल्डर्स हैं, और ये यूनिट होल्डर्स अपना पैसा इनफ्लो कर रहे हैं इस फंड में। इस फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इस फंड में ट्रस्ट है, इस फंड में स्पॉन्सर है। बेटे ये तीन लोग हैं, पहला स्पॉन्सर, फिर ट्रस्ट, और फिर AMC, मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी, और फिर ये क्या करेंगे बेटे, ये क्या करेंगे, आउटफ्लो होगा बेटे, यहाँ पर पैसे के आउटफ्लो है, एज पर द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स होंगी और उसका प्रॉफिट अर्न किया जाएगा बेटे। ये है म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट। इसका मतलब वो जो यूनिट होल्डर है, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेगा या जो भी कोई स्कीम लेगा बेटे, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, क्योंकि सबका, आप मुझे बताइए, एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो आप फैमिली के साथ गए, सब गए, तो आपका मन कुछ खाने को करता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, आपके ब्रदर को कुछ अच्छा लगता है, आपके सिस्टर को कुछ अच्छा लगता है, और उसके मीनू कार्ड में 10 12 20 तरह की चीजें होती हैं, सबका प्राइस होता है। अब आप क्या करते हो, अपने मन की भूख को देखते हो कि भूख कितनी लगी है, पॉकेट में कितने पैसे हैं, टाइम क्या है, ये सारे बेंचमार्क्स के बाद आप डिसाइड करते हो कि आपको पाव भाजी खानी है, आपको छोले भटूरे खाने हैं, आपको इडली डोसा खाना है, आपको जूस पीना है। इट मींस आपका जो कैलकुलेशन है वो अब आप खुद नहीं करोगे बेटे, आपकी जगह में वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के जो लोग बैठे हैं, वो जो लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बैठे हैं बेटे, वो मैनेज करेंगे, जिनके पास ज्ञान है, सरस्वती है, विद्या ददाति विनयम, बेटे विद्या एक ऐसा धन है जिससे विनय मिलता है, जिससे लक्ष्मी मिलती है, जिससे पात्र मिलती है, सब कुछ मिल जाता है विद्या के धन से। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप अगर दो सिनेरियोस को कंपेयर करें, एक सिनेरियो कौन सा कि आप खुद कर रहे हैं, एक सिनेरियो कौन सा आप खुद सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे हैं, खुद उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और एक सिनेरियो कौन सा आप क्या कर रहे हैं, उन ग्रुप, उन प्रोफेशनल्स, उन एक्सपर्ट लोगों को के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आप उनमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज पर योर ऑब्जेक्टिव। बेटे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स, बड़ी सारी स्कीम्स हो सकती हैं, मैं आज वो भी नहीं बता रहा, बस आपको मैंने ये बताना है कि म्यूचुअल फंड के जन्म के पीछे क्या कारण रहा। तो बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर से म्यूचुअल फंड में, हमारी स्टडी मटेरियल में क्या क्या करना है, इसकी रेगुलेशंस क्या है, एमफी का पेपर आप कैसे दे सकते हो, आप ब्रोकर कैसे बन सकते हो, उसके बाद आप NCFA पेपर कैसे दोगे, उसको आप एज ए कैरियर कैसे लोगे, उसके बाद CFA का पेपर कैसे दोगे। बेटे मैं सब कर रहा हूं, कुछ कर भी चुका हूं, तो मैं सारा ज्ञान आपको लेक्चर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, तो मैं आपको एक तो स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल में आपको ये लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, हम ये बातें कवर करेंगे, ये म्यूचुअल फंड होता है, हम लेक्चर 2 में खाली म्यूचुअल फंड की बातें ही करेंगे, हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, हम उसकी स्कीम्स की बातें करेंगे, हम बड़ी सारी बातें ओपन एंडेड की, क्लोज एंडेड की, एंट्री लोड की, एग्जिट लोड की, NAV की, ग्रोथ स्कीम की, डिविडेंड प्लान की, रीइन्वेस्टमेंट की, सब बातें करने वाले, बहुत मजा आने वाला है। आज का लेक्चर खाली मेरा इस बात पे था कि आपको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि यार म्यूचुअल फंड के पीछे क्या है, और मैं आपको लाइव लेके जाऊंगा बेटे, लाइव
लाइव मैं आपको लेके जाऊंगा, जैसे कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड की मैंने आपके सामने पहले से ही, मेरे को लगा कि समय कम लगे तो बेटे हम फैक्ट शीट्स देखेंगे, हम उसके स्पॉन्सर्स देखेंगे। जैसे अगर आप देखें स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये देखिए मैंने एचडीएफसी की, ऐसे ही कोई फंड एचडीएफसी का मैंने खोला, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर नेचर ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नेम ऑफ ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड बनने के पीछे ट्रस्ट स्पॉन्सर, और उसके बाद एचडीएफसी की अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनको देखेंगे, ग्रोथ स्कीम्स कौन सी है, इनकम स्कीम कौन सी है, उनको रीड करेंगे और फिर हम उनकी स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स को देखेंगे। बेटा सारी बातें हमने नेक्स्ट क्लास से करनी शुरू कर देनी है और मैं प्रैक्टिकली आपको म्यूचुअल फंड कैसे परचेज किए जाते हैं वो भी बताऊंगा। बस आज के लेक्चर में मैंने इतना ही बताना था कि भाई आपको पता तो होना चाहिए कि इसके आने के पीछे क्या लॉजिक है। मुझे लगता है कि अब आप जब नेक्स्ट लेक्चर से मेरी बातों को सुनेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 से मैंने म्यूचुअल फंड के पूरे स्टडी मटेरियल के स्ट्रक्चर पे आपको आपके सामने रख देना है, और उसके बाद हम दोबारा से स्पॉन्सर, दोबारा से एएमसी, दोबारा से प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप ही का फिर मिलेंगे बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।